हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग आरजेडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आज के वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं आपके लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010 से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज देख लीजिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टेंट लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बनता है, माइन के अंदर बिजली ले जाने की अधिकतम सीमा होती है। पहला ऑप्शन है 11,000 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 6,600 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 7,700 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 5,000 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11,000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, माइन के अंदर कितनी बिजली ले जाई जाती है। पहला ऑप्शन है 6,600 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 11,000 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 9,900 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 8,800 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 6,600 वोल्ट। माइन के अंदर बिजली ले जाने की अधिकतम सीमा 11,000 वोल्ट है दोस्तों, लेकिन माइन के अंदर 6,600 वोल्ट ही बिजली भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइन में कम से कम कितनी बिजली उपयोग में लाते हैं। पहला ऑप्शन है 6,600 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 3,300 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 7,000 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 5,000 वोल्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस हो गया है, चौथा ऑप्शन है 5,000 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3,300 वोल्ट, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिल मशीन में बिजली उपयोग की अधिकतम सीमा होती है। पहला ऑप्शन है 110 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 125 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 150 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 130 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 125 वोल्ट, अर्थात दोस्तों ड्रिल मशीन में हम 125 वोल्ट अधिकतम बिजली भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिल मशीन में कितनी बिजली उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है 110 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 115 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 120 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 125 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 110 वोल्ट, अर्थात दोस्तों ड्रिल मशीन में 110 वोल्ट से 125 वोल्ट तक की बिजली भेजी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरग्राउंड लाइटिंग में बिजली की अधिकतम सीमा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 125 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 110 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 120 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 130 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 125 वोल्ट, अर्थात दोस्तों अंडरग्राउंड माइंस में जो बिजली भेजी जाती है बल्ब में, वो अधिकतम 125 वोल्ट तक भेजी जा सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरग्राउंड लाइटिंग के लिए कितनी बिजली उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है 110 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 125 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 120 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 130 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 110 वोल्ट, अर्थात अंडरग्राउंड माइंस में कम से कम 110 वोल्ट की बिजली जो बल्ब लगे होते हैं उसमें भेजी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरफेस माइन लाइटिंग के लिए बिजली की अधिकतम सीमा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 250 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 220 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 225 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 245 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 250 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरफेस लाइटिंग में कितनी बिजली हम उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है 220 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 230 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 240 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 250 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 220 वोल्ट, अर्थात सरफेस लाइटिंग में दोस्तों 220 वोल्ट से 250 वोल्ट की बिजली भेजी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी सिंगलिंग घंटिंग के लिए बिजली की अधिकतम सीमा क्या होती है। पहला ऑप्शन है 30 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 25 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 20 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 24 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 30 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिग्नलिंग घंटी में कितनी बिजली उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है 24 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 30 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 25 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 20 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 24 वोल्ट, अर्थात सिग्नलिंग घंटी में 24 वोल्ट से 30 वोल्ट की बिजली भेज सकती है दोस्तों।
यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।